नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो गलती हर इंसान से होती है, यहाँ ये कहना भी सही है कि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन सफल मनुष्य वही है जो अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़े और जीवन में उन गलतियों को ना दोहराने की कोशिश करे। दोस्तों, एक गलती हमेशा माफ़ की जा सकती है, लेकिन जब आप वही गलती बार बार करते हैं तो ये आपकी नाकामी और नासमझी का प्रदर्शन होता है। वैसे तो हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन उसमें से ऐसी कुछ गलतियां हैं जिन्हें अगर हमने कुछ नहीं सीखा तो हमारे लिए बेहद घातक भी साबित हो सकता है। तो एक असफलता कभी आपके भविष्य का डिसीजन नहीं बन सकती है। इसलिए एक बार भी हार मिलने के बाद अगर आप सपने देखना छोड़ देते हैं या अपने सपनों के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो ये आपके जीवन की ऐसी गलती है जो पूरी ज़िंदगी आप पछताने वाले हैं और जो कभी सुधारी नहीं जा सकेगी। दोस्तों, हम जिस तरह सामने वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करेंगे हमें उस व्यक्ति से वैसा ही व्यवहार मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के लिए अपशब्द कहने चाहिए। अगर कभी आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द निकल भी जाएं तो आपको तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति के नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो ये उस व्यक्ति की नहीं बल्कि आपकी गलती है। आपको अपना जीवन अपने अनुसार और अपने अनुभवों के अनुसार जीना चाहिए। अगर आप किसी के वैशेले और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर लागू होने देंगे तो सिर्फ आपकी गलती है और आपका ही नुकसान है। अगर आप जीवन में बार बार ऐसा ही करते रहेंगे तो ये आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे आप अपनी प्राथमिकता मानते हैं, लेकिन अगर वह व्यक्ति आपके लायक नहीं है, आपके द्वारा दी जाने वाली महत्व का अर्थ नहीं समझता है तो उसे अपनी प्राथमिकता बनाकर आपने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गलती की है। जो व्यक्ति आपको महत्व देना ज़रूरी नहीं समझता, जब उसे आप अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तो ऐसा कर आप अपने सम्मान के साथ ही खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति आपकी आलोचना करता है वह आपके भीतर वो कमी ढूंढ लेता है जो आप कभी नहीं खोज सकते। इसीलिए तो आपको उनका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इन कमियों को सुधार कर ही तो आप आगे बढ़ेंगे। आपके आगे बढ़ने में उसका योगदान है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, इंसान वही करता है जो वो करना चाहता है। अगर आपको लगता है कि आप उसे बदल पाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। किसी को बदलने के लिए मेहनत करना आपके लिए समय को बर्बाद करने जैसा है। इस समय आप उस समय को उपयोग करके खुद को बेहतर बनाएं, किसी को बदलने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा अब आपको अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।